दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने कंप्यूटर में एडोब रीडर डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि किसी भी पीडीएफ फाइल को रीड करने के लिए आप पीडीएफ सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने कंप्यूटर में एडोब रीडर डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, एडोब रीडर एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि पीडीएफ फाइल को रीडिंग में या फिर प्रिंटिंग या फिर पीडीएफ फाइल को एडिटिंग में किया जाता है। दोस्तों, पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो में हर एक स्टेप अच्छे से देखना है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप अपने कंप्यूटर में जो भी ब्राउजर यूज करते हो, आपको उस ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर जैसे मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। ब्राउजर में आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आपको एडोब रीडर लिखना है। एडोब रीडर लिखने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एडोब का ऑफिशियल वेबसाइट है get.adobe.com, इसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है एडोब रीडर को। आपको वेबसाइट का जो एड्रेस है वो ध्यान से देख लेना है, get.adobe.com। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसा कि दोस्तों दो ऑप्शन है, एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी और दूसरा जो है एडोब एक्रोबैट प्रो डीसी। यहाँ पर जैसा कहा जा रहा है, डू एवरीथिंग यू कैन डू इन एक्रोबैट रीडर प्लस क्रिएट प्रोटेक्ट कन्वर्ट एंड एडिट योर पीडीएफ। मतलब यहाँ पे आप अपने पीडीएफ फाइल को रीड करने के साथ आप अपने पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हो, अपने पीडीएफ फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, किसी अदर फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो अपने पीडीएफ फाइल को। तो कुछ ये फीचर आपको एडोब एक्रोबैट प्रो वर्जन में मिल जाते हैं। जैसा कि ये पेड सॉफ्टवेयर है एडोब एक्रोबैट प्रो, तो यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूंगा एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी को अपने पीडीएफ फाइल को रीड करने के लिए या फिर अपने पीडीएफ फाइल को प्रिंटिंग करने के लिए। आप एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी को डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर फ्री है। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शनल ऑफर्स दिखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शनल ऑफर्स में एक मैकेफे का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आपको ये डाउनलोड होने लगेगा। जब आप एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी को डाउनलोड करेगा तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जो है एक एंटीवायरस मैकेफे, ये भी आपके एडोब एक्रोबैट रीडर के साथ डाउनलोड होने लगेगा। तो सिंपली मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैकेफे सिक्योरिटी स्कैन प्लस को आपको अनटिक कर देना है। उसके बाद आपको सेकेंड वाला भी अनटिक कर देना है, मैकेफे सेफ कनेक्ट को। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन मिलता है, एक्रोबैट रीडर क्रोम एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अगर क्रोम ब्राउजर में एक्सटेंशन चाहते हो एडोब रीडर का, तो यहाँ पे आप इसे टिक रख सकते हो या फिर इसे भी अनटिक कर सकते हो आप। तो फिलहाल मैं एक्सटेंशन भी रखना चाहता हूँ, तो इसे मैं टिक रखता हूँ। एडोब एक्रोबैट रीडर को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एडोब रीडर का जो सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आपसे जो भी परमिशन मांगा जाएगा आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो एडोब एक्रोबैट रीडर होगा वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो डाउनलोडिंग स्पीड है आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों डाउनलोडिंग होने के बाद एडोब एक्रोबैट रीडर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हो जाएगा सक्सेसफुली। सिंपली आपको यहां पर फिनिश पे क्लिक करना है। अब आप अपने कंप्यूटर में किसी भी पीडीएफ फाइल को एडोब रीडर में ओपन कर सकते हो। यहां पर जैसा कि एक मैसेज शो हो रहा है, मेक एडोब एक्रोबैट रीडर माई डिफॉल्ट पीडीएफ एप्लीकेशन। इसका मतलब यहाँ पर आप जब भी अपने कंप्यूटर में किसी भी पीडीएफ फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पे जो आपका डिफॉल्ट पीडीएफ एप्लीकेशन होगा वो एडोब एक्रोबैट रीडर होगा पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए। तो सिंपली आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेंज पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप जब भी अपने पीडीएफ फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पर एडोब रीडर में ओपन होगा वो पीडीएफ फाइल। तो कुछ इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में एडोब एक्रोबैट रीडर को डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में कैसे एडोब एक्रोबैट रीडर को डाउनलोड करते हैं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।